Hello guys and welcome back to the vlog. ये पहला व्लॉग है नए साल का 2023 का फर्स्ट व्लॉग. मोस्टली लास्ट जो आपने देखा हम लोग घूम के आए थे उसके बाद तो कुछ नहीं यार, वही घर पे ही है. कितना घूमेंगे और कंटा लाता है उससे भी. और बाद में छुट्टी वुट्टी भी नहीं थी तो काम चालू एज इट इज, बिजी विद द वर्क. सो यस, होप आप सबका भी नया साल एकदम मस्त जा रहा हो. जो आपने कुछ रेजोल्यूशन अगर लिया है, होप सो आप उसमें सक्सेस हो रहे हो, आपको आप वो फॉलो कर रहे हो. तो अभी जैसे छुट्टियां थी तो घर पे मतलब सीरीज मूवीज तो हम लोग देखते रहते हैं, लाइक बिग बफ, मैं भी, प्राप्ति भी. तो अभी हमारा चल रहा था मैनिफेस्ट, जो अभी खत्म हो गया. और मस्त सीरीज है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा है. तो बेसिकली US बेस्ड ही है लेकिन थोड़ा अलग वाला है, तो थोड़ा मिस्ट्री और वो सब है उसमें, लाइक नेचुरल अकरेंसेस और स्टफ. अभी भी क्लिफ हैंगर ही है, लटक ही रहा है, 4 सीजन भी हो गया. लेकिन पता नहीं जो इसमें लाइक इन लोग का मेरे को पता नहीं, US के जो सीजन है ना, जो सीरीज होते हैं उनमें ऐसा होता है कि चालू तो होता है लेकिन वो चालू क्यों हुआ वो तो दिखाते ही नहीं है. तो जैसे वॉकिंग डेड है, अगर आप लोगों ने वॉकिंग डेड देखा हो तो उसमें जोम्बिस का स्टार्ट होता है लेकिन वो पहले पता ही नहीं था कि जोम्बिस कैसे स्टार्ट हुआ. तो उसके लिए बाद में एक सीरीज आई थी फियर द वॉकिंग डेड, उसमें भी स्टार्ट होता है वो जो LSA होता है, शायद ड्रग ओवरडोज या ऐसे कुछ होता है, बट डिटेल में थोड़ा बताना चाहिए. तो लाइक यू नो लाइक व्हाट वाज द रूट कॉज. तो यस, वॉकिंग डेड ऑल टाइम फेवरेट है. वैसे ही ब्रेकिंग बैड, और ब्रेकिंग बैड तो नंबर वन, नथिंग कैन टच दैट. तो यस, ये मैनिफेस्ट खत्म हो गया. अभी उसके बाद हमारा स्ट्रेंजर थिंग्स बाकी था, तो अभी 2 एपिसोड खत्म हुए उसके, चल रहा है क्लास. लेकिन पहले हमको लास्ट सीजन जो आया था season 3, तो उसके कुछ एपिसोड देखना, लाइक लास्ट एपिसोड मोस्टली देखना पड़ा क्योंकि बहुत पहले देखा था तो थोड़ा रीकैप हो जाता. तो वो देखा, उसके बाद देखा हमने कठपुतली, लाइक वेरी गुड मूवी. वो हॉटस्टार पे है, तो यहाँ पे हुलू पे आता है US में, तो वो भी मस्त मूवी है. मैं देख रहा था तो उस बीच में से ही प्राप्ति ने कहा यार ये कुछ सुना सुनाया लग रहा है, देखा दिखा लग रहा है. तो फिर इसने मुझे बोला कि साउथ का एक कोई मूवी है डंडा अधिकारी, मैं हूं डंडा अधिकारी, उसका रीमेक. तो चलो ये रीमेक भी अच्छा है, मैंने तो नहीं देखा था डंडा अधिकारी, शायद पापा ने, मेरे भाई ने, अभी ने, इसने, प्राप्ति ने भी देखा था. तो तब वो बोल रही थी कि यार ये कुछ पता नहीं सिमिलर लग रहा है, तो वहां से आया मैं हूं डंडा अधिकारी का रीमेक है कठपुतली, बट मस्ट वॉच, वो भी मस्त है. लेकिन क्या क्या हो रहा है यार दुनिया में, लाइक अनइमेजिनेबल. होते हैं कुछ लोग जिनको कुछ सब अच्छा पचता नहीं है बोल सकते, बट या वैसे ही आता है. तो वो खत्म हो गया, और जो हमारा मेन लाइक रेगुलर अभी है वो है बिग बॉस, वो तो चलता ही रहता है. लाइक मैं तो फेवरेट मेरा तो शिव है पहले से, लाइक ऑब्वियसली एक महाराष्ट्रियन है वो, और वो थोड़ा एक बॉन्ड भी अलग होता है, लेकिन उसका जो थिंकिंग है लाइक हाउ ही प्लेज द गेम, ऑसम, लाइक मजा आता है, ऐसा दिल का साफ है. बाकी सब तो यार नाटक मंडली है मोस्टली. ये साजिद खान को भी लेके आया इस सीजन में, पता नहीं वो ज्ञान ही बांटते रहता है और खुद पे आता है. तो टाई टाई फिश अब्दू रोजिक, लाइक मैं उसको पहले बिग बॉस से पहले भी फॉलो करता था थोड़ा, लाइक हसबुल्ला और अब्दू रोजिक, लाइक जो ड्वार्फ है ना, तो उन लोगों को मोस्टली फाइटिंग और वो बैकग्राउंड है उनका, UFC फाइट्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो तब से मैं पहले फॉलो करता था, तो मुझे पता चला कि अब्दू रोजिक भी आ रहा है. तो यस, इट वाज, उसको थोड़ा हिंदी भी अच्छा लगता है, टूटा फूटा हिंदी आता है मेरी तरह. तो ऐसे ही मतलब हिंदी में इधर उधर 19-20 हो जाता है, बट उसको तो थोड़ा वो भी नहीं पता चला, तो साजिद उसको गाइड करते थे. और उसके बाद है शालिनी ने, भगवान, ओवर एक्टिंग लाइक नेक्स्ट लेवल. बिग बॉस 16 के अभी तक जितने भी सीजन हुए ना, हाईएस्ट ओवर एक्टिंग इज शालिन बनो. बट लगता तो है आदमी दिल से क्लियर है, बट कोई खेल गया उसके साथ जो है टीना दत्ता. यस, लटका के रखा बेचारे को, होता है कभी कभी प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, नहीं दिखता आजू बाजू का, सिर्फ एक ही दिखता है, और वो कर रहा है वो सही है बाकी सब गलत है. लेकिन जब आंख खुलती है तो वैसे ही धड़म करके गिरता है नीचे, फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द बॉटम. तो वैसे उन दोनों का डायनामिक्स चल रहा है. और फिर है प्रियंका, हे भगवान, किट 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 किर किर, बहुत उसका लाइक वो उसका कॉन्वर्ट, वो और अर्चना दोनों का आवाज इतना यार, वो बोलते हैं ना तिन्ना आवाज है, लाइक ऐसे टीवी का वॉल्यूम कम कर देना पड़ता है कि बस भाई अभी थोड़ा धीरे बोलो. सौंदर्य है, ठीक है चलता है, लाइक
कुछ ग्लैमर फैक्टर भी होना चाहिए बिग बॉस में, तो मेरे को लगता है उसके लिए ये। फिर एक निमृत है, वो भी लाइक ठंडा काम है, चलता है, लेकिन और ड्रैग हो रहा है मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। दिस इज ऑल माई पर्सनल ओपिनियन, नथिंग टू डू विथ एनी बिचिन और एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट, बट या एक एक सबका पर्सनल ओपिनियन होता है, ये मेरा ओपिनियन है, आपका कुछ अलग होगा, आपको कुछ और पसंद होगा, तो वो आपके पास। और एक है सुम्बुल, वो उसको लगता है लाइक, मेरे को तो पता नहीं था ये सुम्बुल कौन है, फिर मैंने सर्च किया, वो भाई बड़ी टीवी एक्ट्रेस है यार, बहुत उसके सीरियल अच्छे चलते हैं, पता नहीं है, मतलब वो यंगेस्ट कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस, शायद 18 साल की है वो, और उसका पेमेंट भी सबसे ज्यादा है अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट्स है, तो पता नहीं कुछ सोच समझ के ही लाए होंगे ये लोग, यंग है वो, इसलिए उसका थोड़ा इतना एक्सपोजर नहीं है ना लाइफ को, तो शी इज लाइक गेट्स इमोशनल एंड वो रोना चालू करती है। भाई रो सकते हैं ना, उसमें क्या है, सबको ऐसा है कि रोना नहीं है, वाई टू शो वीक साइड ऑफ योर्स टू द वर्ल्ड, बट या बट इफ द वर्ल्ड नोज दैट यू आर वीक, यू कैन फील थिंग्स, कुछ लोग ऐसे भी रिलेट करते हैं, कुछ लोग फायदा उठा जाते हैं, बट दैट्स फाइन, वो उनके कर्म, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको इन द सेंस अगर ये रियलिटी में हो तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई फायदा उठा जाता है, क्योंकि वो उनके कर्म है, वो देख लेंगे। लास्ट में मैंने ये इसको लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि मेरे को लाइक उसका जो एक स्लैंग और वो सब बोलने का तरीका है ना, मेरे को बहुत पसंद है। पी टाउन एमसी स्टैन, कोई कोई इंसान है अगर कोई बैकग्राउंड उसका कोई अलग जगह से आ रहा है, तो उसका बोल चाल सब सब डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं कि सब एक साथ एक ही पटरी पे चल रहे हैं ट्रेन की तरह, कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कोई कहीं और से आया हुआ है तो उसका स्पीकिंग, द वे ऑफ स्पीकिंग इज डिफरेंट, तो लेकिन मेरे को तो बहुत मजा आया एमसी स्टैन को देख के, लाइक जो जब उसका कोई झगड़ा होता है ना कोई, मजा आ जाता है, गाली गलोच होती है, अभी कौन नहीं करता यार कभी, अभी बाहर ये तो चलो घर रहे इसलिए थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन बाहर तो आउट ऑफ वे हो जाता है, बट ठीक है, ह्यूमन इमोशंस है, वो लोग आ ही जाते हैं थोड़े बहुत बाहर। एमसी स्टैन तो मेरा यार मजा आ जाता है, शेमड़ी जो नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है लाइक मराठी लैंग्वेज में, शेमड़ी मतलब अगर आपके नाक से कुछ बह रहा है या कुछ है तो उसको बोलते हैं, मतलब लेडी को शेमड़ी, और अगर लड़का है तो शेमड़ा, यस ये अपडेट पीछे से है। तो एमसी स्टैन लाइक मेरे को पता था कि एमसी स्टैन मतलब क्या है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अगर एमसी स्टैन का नाम सुना होगा तो वो एमी वे बंटाई का जो फर्स्ट डिस सॉन्ग आया था रफ्तार के लिए उसमें सुना था, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत उसके गाने वाने देखे थे, और उसका अभी तो मेरा फेवरेट गाना है तड़ी पार करके उसका गाना है, वीडियो सबके साथ मत देखना, अकेले में देखना, बट फिर भी सुनना भी अकेले में, मैं तो बोलता हूँ किसी किसी को नहीं पसंद होता है, बट यार चॉइस होता है, मुझे मुझे उसका म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है जो बैकड्रॉप और वो सब चालू होता है ना। ये था बिग बॉस का ओवरव्यू, अभी नेक्स्ट व्लॉग में और थोड़ा ऐसे ऐसे ही डालते जाएंगे इसके अंदर, मैंने आपको बोला था कि उसके लिए अलग व्लॉग निकालूंगा, बट मैंने सोचा लाइक क्यों ऐसे अलग अलग करे, एक में ही कर देते, पसंद आए तो देखना, ठीक है। और फिर एक अभी हमने शायद एक इंटरव्यू देखा था, यो यो हनी सिंह का, वो कार में वो सिड करके कोई है उसका चैनल है, वो भी सिड है, तो उसके साथ ड्राइव पे जाते हैं वो सेलिब्रिटीज को लेके, और लाइक जस्ट बातचीत करते हैं, यार हनी सिंह को देखा ऐसा लगा यार, पिछला जो पहले जो उसका बीच का अभी चल रहा था थोड़ा सीन, उसके पहले जो हनी सिंह था सेम डिट्टो, ऐसा लगा था कहीं पे स्टोर करके रखा हुआ था और अभी काम लगा तो चलो फ्रीजर में से निकालो और ये दे दो वापस। प्राप्तिक और मेरे को मतलब हनी सिंह तो पसंद ही है सबको, जो लोग मतलब ऐसे रैप और वो सब में इंटरेस्टेड है उनको हनी सिंह पसंद ही होगा, पार्टी सॉन्ग्स एंड स्टफ लाइक दैट, और व्हाट लाइक पहले से जो रैप और ये सब है ऐसा हमें लगता है, तो जो मेन स्ट्रीम में रैप और वो सब आया लाइक मूवीज एंड ऐसे गाने आए बहुत हिट वाले, तो वो शायद हनी सिंह ही था जिसने इंट्रोड्यूस किया था रैप को मेन स्ट्रीम में, उसके बाद सब थे लाइक बैकग्राउंड में सब दूसरे वाले भी थे, जैसे माय पर्सनल फेवरेट इज बादशाह, तो यस प्राप्ति का यो हनी सिंह है फेवरेट में, हमारे भी रैप होते रहते हैं लाइक डिस, लेकिन चलता है वो तो सबका अलग अलग फेवरेट होता है, तो यस आई थिंक ही इज बैक विथ अ बैंग, एंड हनी सिंह का नए नए गाने भी आ रहे हैं उसके चैनल पे, पेरिस का ट्रिप करके एक गाना है वो भी अच्छा है नया वाला, फिर गतिविधि गतिविधि भी अच्छा गाना है लाइक मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन एक और गाना है पता नहीं मुझे, वो होमी दिल्ली वाला का गाना है, बीच में वो एक गाना डाल दिया है वो हनी सिंह के चैनल पे, सिर्फ उसका अपियरेंस है उसमें, मेरे को लगता है वो बोलते हैं ना लाइक पांच अच्छी चीजें पांच अच्छे एप्पल्स है उसमें एक घुसा दो किसी को पता नहीं चलेगा, वैसे वाला हो गया, तो मेरे को तो वो गाना
बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई थिंक उसका नया एल्बम भी आ रहा है, Honey 3.0। तो यस, ऐसे ही रिव्यूज देते रहेंगे और चीजों के भी आगे अगले ब्लॉग्स में। थोड़ा ये ब्लॉग को आने में थोड़ा लेट हो गया। तो यस, ये सब था बिग बॉस का, हमने देख लिया, मैनिफेस्ट का सुन लिया, जो सीजन है स्ट्रेंजर थिंग्स तो अभी हमारा चल रहा है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग खत्म हो जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग तक, तो वो एक डाल देंगे। उसके बाद देखते हैं कौन सा सीजन चालू करना है। अगर आप लोगों को कोई है ऐसा दिमाग में कि यार ये फाड़ो सीजन है, तो कमेंट डाउन, रिप्लाई दूंगा मैं। अगर मैंने देखा होगा तो मैं बोलूंगा कि यस आई हैव वॉच्ड इट, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको डेफिनेटली कमेंट पे मेंशन करूंगा कि यस आई विल वॉच दिस नेक्स्ट। और फिर MC Stan एंड सब लाइक शिव ठाकरे, आई थिंक ही वुड बी द विनर, बट यस पता नहीं। जो मैंने ट्विटर पे भी मैं हूँ वो सब फॉलो कर रहा हूँ। ट्विटर पे मैंने ID डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, सिड बडी है सेम है, तो उधर सब फॉलो करते रहते हैं हैशटैग, और वो सब आप ट्वीट करोगे तो आपको सजेशंस में आता रहता है। तो उसमें तो बोला था कि एक पूरा स्क्रिप्ट होता है जो कलर्स वालों का इंटरनल स्क्रिप्ट, लाइक प्लेयर्स के लिए नहीं कि ये कंटेस्टेंट को लेके आएंगे फिर ये होगा ये होगा ये होगा और वो विनर बन जाएगा, तो ऐसे करके कुछ मैंने पढ़ा था। मैं डिस्क्लोज इधर नहीं करूंगा क्योंकि वो अपना अपना सबका होता है। ये व्लॉग को करते हैं समाप्त और आप लोगों से मिलते हैं बाद में। तो हमारा पूरा व्लॉग मोस्टली हम दो लोग थे, मैं और चेरवती। तो यस, इसी के साथ आप रखे ख्याल सबका, और उत्तरायण है अभी तो आप सब हैप्पी उत्तरायण। मराठी में कहावत है तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, मतलब तिल गुड़ खाओ, तिल वाइट तिल गुड़ चैगरी खाओ और गुड़ गुड़ बोला, मीठा मीठा बोलो। तो यस, उस वो उत्तरायण का मेन मोटो होता है कि अच्छे से बोलो, वाणी को क्लियर रखो, सामने वाले को हर्ट ना करते हुए ही सबका ख्याल रखे, अपना अपनों का, और टेक केयर। तब तक के लिए जय गणेश एंड पीस।